नमस्कार दोस्तों, आज मैं घर पे था तो मैंने सोचा कि घर पे कुछ कर लिया जाए। तो मेरे पास एक बोर्ड और कुछ पेजेस और ये पेज हैं, कुछ कलरफुल पेज हैं। मैं आज इस पे एक पेंटिंग बनाता हूँ छोटी सी। मैं अक्सर पहले भी कोई पेंटिंग बना चुका हूँ। इन कलरफुल पेज को डाल देंगे वापस, इनकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने वापस डाल देते हैं। और हम इस पेज पे कुछ बनाते हैं। आज मैं घर पे था तो मैंने सोचा कि कुछ बना लेते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं, आज छोटा सा YouTube का लोगो ही बना लेते हैं, देखते हैं कि कैसा बनता। YouTube का लोगो देखते हैं। शुरू में तो भाई और थोड़ा सा अच्छा सा नहीं चल रहा, देखते हैं और भाई कैसा बनेगा ये लास्ट में। आज मैं घर पे था तो सोचा कि कुछ काम ही कर लिया जाए, थोड़ा सा काम करना अच्छी बात है सेहत के लिए। ये बन गया ओ, अभी बनाते हैं यू। जब आप घर पे खाली बैठते हो, आपको कुछ काम नहीं दिखाई देता तो हमें काम ढूंढ लेना चाहिए, अच्छा रहता है। जब हम काम ढूंढ लेते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। YouTube का लोगो, चलो पहले लोगो यहाँ से स्टार्ट कर देखते हैं। थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे से नीचे की तरफ कर लेंगे। ऐसे करने के बाद थोड़ा सा इसे आगे लेते जाएंगे, फिर थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ मोड़ देंगे। इसमें ट्यूब लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया ट्यू। यू तो लिखना पड़ेगा, ये हो गया यू। अब बनाना पड़ेगा भाई बी। मैंने इस पे पहले ही थोड़ा थोड़ा उससे स्केल से माप लिया था ये, कि यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा, इसलिए अब मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। अगर मैं पहले नहीं मापता तो मैंने अभी मापना पड़ता, इसलिए अब ये थोड़ा जल्दी से बन गया है। नहीं तो मैंने अब मापना पड़ता मुझको। अब इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। इसमें मैं कलर नहीं करने वाला, थोड़ा इसको इसकी शेड को अच्छे से कर देते ताकि ये अच्छा लगे। एक बार फिर से हम इसकी शेड को थोड़ा गहरा कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। ऐसे करने से क्या होता है कि जो कैमरे में देख रहे हैं उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर से मैंने दोबारा से ऐसे इनके ऊपर से अंडरलाइन कर दी है, ठीक है ऐसे। जैसे इस पर किया इस पर भी कर देते हैं। इन पे अंडरलाइन करने के बाद हम इसको शेड कर देंगे। शेड करने के बाद और अच्छा लगेगा, ये आपको पता नहीं होगा। अभी शेड अभी चालू नहीं की है मैंने, होने पर आपको पता चलेगा कि क्या बनता है शेड होने पर पिक्चर में, पहले से पेंटिंग में और बाद में पेंटिंग में क्या असर दिखाई पड़ता है। अधिकतर मुझे बिना कलर की पेंटिंग बनाना ही थोड़ा अच्छा लगता है। शेड वाली पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगती है, बल्कि कलर वाली पेंटिंग मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती है। इसलिए हम थोड़ा सा जो इसके यहाँ से ये कोने दिख रहे हैं, कोनों को थोड़ा ऐसे कर देते हैं। कोनों को ऐसा करने के बाद हम इसमें शेड चालू करेंगे। भाई जिस पेंसिल से हम पेंटिंग करते हैं वो पेंसिल अलग होती है, लेकिन अभी घर पर मेरे पास यही पेंसिल थी तो मैंने इसे ही छील कर शार्प करके पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कमेंट में बताना कि यदि आपको पेंटिंग बनानी हो तो आप कौन से पेंसिल से बनाओगे। शेड चालू करते हैं दोस्तों, शेड को हम अभी स्टार्ट कर देंगे, जो से चालू करते हैं। थोड़ा सा
पेंसिल को टेढ़ी करके स्टार्ट करते हैं। ऐसे करने के बाद इसी तरह से हम सभी में कर देंगे, ऐसे ही यू में कर देंगे। यू कंप्लीट होने के बाद लोगो में स्टार्ट करेंगे भाई, ये अंदर से ये रहने देंगे, ये शेड कर देंगे, ये पार्ट पूरा शेड कर देंगे, इसमें शेड कर देंगे थोड़ा सा, इसमें देख के कहीं इसमें ना हो जाए, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमेशा थोड़ा सा ऐसे ही ऐसे 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 चारों तरफ से कर देंगे और इससे बाहर ना निकलने पाए। ऐसा करते करते जब कंप्लीट होने आए तो कोनों पर थोड़ा ध्यान दें ताकि कोनों पर से बाहर ना निकल जाए, यदि बाहर निकल गई तो ख़राब काम हो जाएगा। यहाँ से इस तरफ से ऐसे थोड़ा ऐसे बनाते, इसके अंदर से थोड़ा कपने बहुत बारीक काम है ये, अगर इसके अंदर से होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ये, इसलिए मैं थोड़ा धीमा कर रहा हूँ। यहाँ से इसके अंदर से करना पड़ेगा भाई, अब तो करने के बाद यहाँ से थोड़ा पोर्शन रह चुका है, ये हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा उंगली से ऐसे कर देंगे, यदि आपके पास कपड़ा हो तो आप कपड़े की मदद से कर सकते हैं, इसका ऐसे कर देते हैं। ये बन गया है YouTube का लोगो। मैं आज घर पे कोई काम नहीं था तो सोचा कि आज एक पेंटिंग ही बना लेते हैं और इसके बारे में आपसे भी शेयर किया जाए। आपको कैसा लगा, आपको ये पेंटिंग कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जो हमने 100 डेज स्पेशल चैलेंज लिया था उसका आज कौन सा दिन है आपको पता है? 13 डे हाज डे 13 डे 13 है, और आज मैं घर पे था तो आपको ये बना के दिखा दिया है भाई। अभी मैं बैठा हूँ छत पे और छत पर मैंने इस स्टैंड से ये फ़ोन पकड़ा कर ये काम किया है। आप मेरी सहायता कीजिए और अभी मैं छत पे बैठा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ छत का नज़ारा। मैं कुछ इस तरह से, हमारे सामने तुलसी माता जी हैं और यहाँ पर मैं शिव को सुबह हर रोज़ जल चढ़ाता हूँ, भोले बाबा को। और भाई अगर आपको मैं कहूँ कि हमारा एक YouTube पर चैनल है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर सर्च जरूर कीजिएगा। क्या लिखा ये, लेट्स एक्सप्लोर। इस चैनल को जाकर देखो, इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और कमेंट करके बताना कि आपको किस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है दोस्तों, तो मैं आपके लिए वैसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू थैंक यू।